नमस्कार जी, मैं स्वागत ये है आपका दोस्तों हमारा कस्टमर कॉल सर्विस लग सेंटर चुका में है कर और सकते कस्टमर केयर ने हैं। कॉल पिकअप कर लिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जियो कस्टमर केयर को कॉल कर थक गए और आपकी बात कस्टमर केयर से नहीं हो पा रही है तो इस वीडियो में यही जानेंगे कैसे हम कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली। दोस्तों इस वीडियो में हम जेन्युइन में बताएंगे, कोई डायरेक्ट नंबर नहीं है, जो ओरिजिनल नंबर है उसी तरीके से बताएंगे और क्या तरीका है, क्या स्टेप है, कैसे बात किया जा सकता है, उस प्रोसेस को इसमें बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखें और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये आप जान लें कि जियो कस्टमर केयर का नंबर 198 ही है, जो आप सभी जानते होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम 198 पर कॉल लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसे बात हम कर सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर केयर से। तो दोस्तों हमने 198 पर कॉल लगा दिया है जियो सिम से और देखिए दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज चूज करके बोल रहा है वन हिंदी के लिए और दो इंग्लिश के लिए। चलिए वन प्रेस कर देते हैं हिंदी के लिए। दोस्तों आपका वर्तमान डेटा बैलेंस दशमलव। तो दोस्तों अभी आपको अपने मोबाइल का बैलेंस बताया जाएगा, आपके मोबाइल में कितना बैलेंस है, कब वैलिडिटी एक्सपायर हो रहा है, ये सब बताएगा। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस है आगे का, आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस प्लान की वैधता और आगामी प्लान, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। अपने आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए 4 दबाएं। यदि आपने नए जियो कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और आप उसके एक्टिवेट, यहाँ पर दोस्तों आपको 1 दबाना है। सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है 1 दबाकर, फिर उसके बाद जो 1, 2, 3 दबाने के लिए बोलता है इसको आपको यहाँ पे दोस्तों 1 दबाना है। वन दबाने के बाद दोस्तों देखिए 499 रुपए से शुरू जियो क्रिकेट प्लान से रिचार्ज करें और 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल का सब। वन दबाने के बाद दोस्तों आपको सुनना है क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए फिर आपको मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। ये 1 दबाएं। 4G डेटा वाउचर, नए वर्क फ्रॉम होम पैक और डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लान के लिए 2 दबाएं। अपने वाउचर्स के बारे में अधिक जानने के लिए 3 दबाएं। ISD इंटरनेशनल रोमिंग टॉप ऑफ और अन्य पैक्स के लिए 4 दबाएं। जियो ट्यून्स के लिए 5 दबाएं। जियो फोन नेक्स्ट, जियो फोन 2021 ऑफर, जियो क्रिकेट प्लान, नए वर्क फ्रॉम होम पैक और जियो फाइबर की जानकारी के लिए 6 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 दबाने के लिए बोला गया है कस्टमर केयर से बात करने के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। नमस्कार जी, मैं स्वागत। ये दोस्तों हमारा कॉल लग चुका है और कस्टमर केयर ने कॉल पिकअप कर लिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए क्या जानकारी चाहते हैं। इंटरनेट अच्छा नहीं चल पा रहा है मैम। इंटरनेट की स्पीड बोल रहे हो जी मैम? ओके, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी सुशील कुमार। सुशील जी, इंटरनेट में क्या परेशानी आ रही है? बफरिंग कर रहा है, पेज खुलने में टाइम लगा रहा है, गूगल घूमता है, लोडिंग पे है, ऑफलाइन है, क्या बता? ओवर का मतलब है जी कम, एक्सेल का मतलब है ज्यादा, और ये फीडबैक मुझे हेल्प करेगा आपको बेहतर सेवाएं देने में, तो प्लीज रेटिंग जरूर दीजिएगा कॉल के बाद, ठीक है जी? ओके मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच आपका जियो में कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। तो दोस्तों देखा मैंने कैसे कस्टमर को कॉल किया और कस्टमर केयर से बात किया। तो इस तरीके से आप भी अपने जियो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।